टीवी 9 पर बोली यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज। बहुत अहम बात की उन्होंने, बेहद ऐतिहासिक होगा यूएन में योगा डे, वो कहा उन्होंने। उन्होंने कहा कि भारत के लिए ये इवेंट बहुत बड़ी बात है, यूएन में ये बिल्कुल यूनिक इवेंट है, ये भारत की ताकत दिखाता है, भारत के लिए विश्व में बड़ी इज्जत है ये दिखाता है। सुनिए हमारे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी से क्या कहा उन्होंने। हमारे साथ इस वक्त एम्बेसडर रुचिरा कंबोज जी हैं, जिनको आपने यूएन में बहुत कठिन परिस्थितियों में बहुत ही अच्छे तरीके से भारत का पक्ष रखते हुए सुना है, देखा है। मैम, प्रधानमंत्री जी का योगा का जो इवेंट है न्यूयॉर्क में, क्या खास है, क्या अलग है? आई थिंक ये इवेंट बहुत खास है, आपने खुद ही कह दिया है, और मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूँ। ये यूनाइटेड नेशंस में हो रहा है, जैसे आप जानते हैं एंड ऑल आर व्यूअर्स नो, 2014 में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था जिसके एक रिकॉर्ड 177 को स्पॉन्सर्स थे। तो जो प्रधानमंत्री, उन्होंने इसी का नेतृत्व किया था, इट वॉज़ हिज विजन एंड लीडरशिप, एंड नाउ 9 years लेटर वो वापस यूनाइटेड नेशंस में आ रहे हैं, एंड पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी, आई एम हैप्पी टू से, सारे देश इस इवेंट में रिप्रेजेंट होंगे। तो आई थिंक इन इटसेल्फ ये बहुत ही एक यूनिक इवेंट है, एंड आई थिंक मुश्किल से ऐसा इवेंट आगे भी हो सकता है। हमारी जो रूट्स हैं, जो योगा की हम बात कर रहे हैं, उसमें भी उन रूट्स को यूएन के अंदर महत्व दिया जाना, उसको तवज्जो दिया जाना, और उस लिहाज से ये इवेंट एक बहुत हिस्टोरिक इवेंट बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही वर्ड यूज़ किया है, इट्स वेरी हिस्टोरिक, एंड आई वुड से इवन मोर कि जो यूनाइटेड नेशंस में है, एक यूनिक कल्चरल डाइवर्सिटी है, नेशंस फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, तो यहाँ योगा जो एंशंट इंडियन ट्रेडिशन है सबको जोड़ रहा है, ये आप देखिए कितनी यूनिक चीज़ है यूनाइट। तो देखिए, जो यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि है वो साफ कह रहे हैं कि भारत का कद किस तरह से बढ़ रहा है। आइए सर आपको कुछ और तस्वीरें भी दिखाते हैं। हैदर हयात खान साहब, इसको भी आपको देखना चाहिए, ये तस्वीरें देखिए। एक तरफ हिंदुस्तान है जिसके प्रधानमंत्री का जलवा पूरी दुनिया देख रही है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जिसके प्रधानमंत्री ही उनके मुल्क की फजीहत दुनिया भर में करवा रहे हैं। पाकिस्तान के हुक्मरानों को ना तो दुनिया से कर्ज मिल रहा है और ना ही इज्जत। जरा इन तस्वीरों को देखिए, कैसे 2018 में जब शाहिद अब्बासी गए थे यूएसए, तो कैसे उनके फिस्किंग के लिए कपड़े तक उतरवा लिए गए थे। 2019 में देखिए कैसे यहां पर इमरान खान जब पीएम थे तो सऊदी प्रिंस किंग सलमान के ड्राइवर तक बन गए थे। 2019 में आप देखिए कैसे यूएस में इमरान को मेट्रो तक से सफर करना पड़ रहा था, क्योंकि वहां पर उनको वो गाड़ियां तक नहीं मिली। और नीचे तस्वीरें हैं भारत के प्रधानमंत्री की, जहां पर देखिए चाहे ट्रंप हो, चाहे किंग सलमान हो, और चाहे यहां पर जो बाइडन हो, आप देखिए उनकी गर्मजोशी, उनके साथ वो कैसे मिल रहे हैं, किस तरह से उनको रेस्पेक्ट दिया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हैदर हयात खान साहब की पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने अपने आप को जो नेगेटिव चीजें हैं, जैसे आप टेररिज्म ले लीजिए, जैसे आप ले लीजिए वहां धर्म के नाम पर या हार्डलाइनर्स इतने ज्यादा हो गए जिन्होंने डेवलपमेंट की जगह रिलीजन को इतना ज्यादा ऊपर चढ़ा दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज जिस जगह पे खड़ा है उसका जिम्मेदार वो खुद है। और पाकिस्तान ने अपना इन्वेस्टमेंट नेगेटिव चीजों में ज्यादा किया बजाय पॉजिटिव चीजों में, और वो सामने अंतर दिख रहा है आज। देखिए, आपने जो फुटेजेस यहाँ पर दिखाई, इसमें जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब के अलावा की दो फुटेजेस थी, उसके अंदर मुझे तो नहीं नजर आ रहा आपको पाकिस्तान की बेइज्जती कहाँ पर नजर आ रही है। खाकान अब्बासी साहब प्राइवेट विजिट पर गए, फिर भी जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, एक चीज। सेकेंडली देखिये, अल्टीमेटली पाकिस्तान आज जिस भी नहज पर जहां पर भी खड़ा है, यकीनी तौर पर कुछ अच्छा है या कुछ बुरा है उसका जिम्मेदार पाकिस्तान खुद है। पाकिस्तान को माजी की गलतियों से सीखना चाहिए, और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, सबको माजी की गलतियों से सीखना चाहिए। हर वक्त बेहतरी की गुंजाइश होती है, पाकिस्तान को भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान किस किस जगह पर गलत था, पाकिस्तान को किस किस जगह पर चीजों को बेहतर करना चाहिए था, कहां कहां पे हम लोगों ने गलत फैसले लिए। नहीं, मैं तो चलिए ठीक है, आपने बड़ी अच्छी बात की, मैं इसमें कोई काउंटर नहीं करता, मैं इसमें कोई आपको काउंटर नहीं करता।